नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में पेशाब बोतल से पिलाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि एमपी में पेशाब पिलाने का मामले ने प्रदेश को हिला डाला है। बता दें कि एमपी के शिवपुरी जिले स्थित करेरा में एक दलित युवक ने आरोप लगाया है कि मनुवादियों ने पिटाई के बाद जूते में पेशाब भरकर पिलाया है। इस सूचना को सुनकर पूरे एमपी में बवाल मच गया। इस मामले में आरोप है कि खेत में दवा छिड़कने नहीं गए तो युवक के साथ उसके गांव के एक ठाकुर समुदाय व्यक्ति ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट के अलावा जूते में पेशाब भरकर पिला दिया। इस मामले में भीम आर्मी ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज किया है। शिवपुरी SP अमन सिंह राठौर का कहना है कि इस मामले में दलित युवक के साथ मारपीट की वारदात हुई है, पेशाब पिलाने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। करेरा थाना अंतर्गत ग्राम बैगे दरी में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने गांव के एक ठाकुर पर दलितों को जूते में पेशाब भरकर पिलाने का आरोप लगाया है। भीम आर्मी ने कहा कि पहले पुलिस ने इस मामले में उचित धाराओं में कार्रवाई नहीं की। जो FIR दर्ज की गई है वह भी रोड पर चक्का जाम करने के बाद की गई। बताया जाता है कि ग्राम बगदेरी निवासी राजेश जाटव को गांव के राम सिंह ठाकुर ने रास्ते में रोककर कहा कि वह खेत पर दवाई छिड़कने क्यों नहीं आया। इस पर राजेश ने उससे 500 रुपये मजदूरी की मांग की। राजेश का आरोप है कि इसके बाद राम सिंह ठाकुर ने उसे गालियां दी तो वह वहां से घर की तरफ भाग आया। बाद में राम सिंह ने उसे उसके घर के दरवाजे पर लाठियों से मारा पीटा, साथ ही जूते में पेशाब भरकर पिलाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब वह थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी FIR दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्हें सड़क पर चक्का जाम करना पड़ा, तब कहीं जाकर पुलिस ने देर शाम मामला दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित का कहना है कि मूत्र पिलाने के संबंध में जो धाराएं लगनी चाहिए वह नहीं लगी। भीम आर्मी ने SDM को ज्ञापन सौंप कर उचित धाराओं में FIR दर्ज करने सहित आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। अब देखना होगा कि आरोपियों को कब तक जेल में डाला जाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BH News Network।